हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरोक्वीन के बारे में, जो कि एक बहुत पॉपुलर ड्रग हो गया है पिछले 10-15 दिन में, और अभी डोनाल्ड ट्रंप भी उसके डिमांड कर रहे हैं इंडिया से, और हमने उनको अलाउ भी कर दिया। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन क्या है, किस चीज़ ने इसको अभी इतना पॉपुलर बना दिया है, और ये क्या ये वाकई ही इफ़ेक्टिव है अब इस महामारी से लड़ने के लिए। इसकी पॉपुलैरिटी से रिलेटेड किस तरीके की रिसर्चेस हैं उनको हम लोग बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव स्टफ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिफोर वी बिगिन, एज यूजुअल मैं आपको बता दूँ, इस सेशन का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, लॉकडाउन सिचुएशन को थोड़ा फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो वो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं आपके लिए, हर एक सेगमेंट के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, तो उनको आप अवेल कर सकते हो। अब न्यूज़ को समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से एक हाइड्रोक्लोरोक्वीन नाम की ड्रग की डिमांड करी कि इस ड्रग को हमें प्रोवाइड करा जाए। भारत में 4 अप्रैल ऑनवर्ड्स इसके एक्सपोर्ट पे हमने बैन लगा के रखा था, और अगर ऐसा ना किया तो भारत को रिटेलिएशन तक की धमकी उन्होंने दे डाली अपनी स्पीच में। कोई शक की बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बिना सिर पैर के बयान देने के लिए पहले से ही जाने जाते हैं। अब अमेरिका हमसे डिमांड करेगा तो डेफिनेटली हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आगे आते हैं, और हम उस बैन को अपेरेंटली हटा देते हैं उस एक्सपोर्ट को, और हम अब थोड़ी इंसानियत के नाम से इस तरीके का, ये कोट कर रहा हूँ वही जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन ने बोला, कि हम लोग ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स पे, सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बाकी सभी नेबर कंट्रीज जो इंडिया पर डिपेंड करती थी इस ड्रग के लिए, उनको पैरास्टामोल एज वेल एज दिस हाइड्रोक्लोरोक्वीन का स्टॉक अवेलेबल करवाएंगे, और ऐसी कंट्रीज जो अभी पेंडेमिक से वर्स्ट हिट हैं तो उनको भी ये दवाई मुहैया करवाई जाएगी, हमारे पास एम्पल सप्लाईज हैं उनको देने के लिए। अब हाइड्रोक्लोरोक्वीन क्या है, तो ये एक सिंपल एंटी मलेरियल ड्रग है, जिसको वर्ल्ड वॉर टू के टाइम वाइडली यूज़ करा गया, इन्वेंशन हुआ लगभग 1934 ऑनवर्ड्स इसका इन्वेंशन हुआ। बट क्लोरोक्वीन की डिस्कवरी के पीछे एक बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, दैट इज़ रिलेटेड टू द लैटिन अमेरिकन कंट्री पेरू। एंडस माउंटेन रेंज के एरियाज में रहने वाली सर्टेन ट्राइब्स ने एक सिनकोना ट्री का बाक का एक्सट्रैक्ट यूज़ करना शुरू किया फीवर्स और चिल्स के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। 17th century की ये बात है। फॉलोइंग दैट, अब उस टाइम यूरोप में भी मलेरियल आउटब्रेक्स बहुत हो रहे थे, तो ये हर्बल दवाई 1633 ऑनवर्ड्स यूरोप में भी इंट्रोड्यूस कर दी गई टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया। अब धीरे धीरे चलते चलते 18th-19th century में इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट से इसका एग्जैक्ट मेडिसिनल फार्मूला निकाला गया क्विनोलिन के नाम से, विच वॉज पॉपुलरली नॉन एज क्विनीन। 1820 से हमने इस ड्रग के एक्सट्रैक्ट से प्रॉपर केमिकल फार्मूला आइसोलेट कर लिया, जो कि इफेक्टिव था मलेरिया या फीवर रिलेटेड सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। 100 साल बाद हैंस एंड्रेसिक नाम के साइंटिस्ट ने बायर लेबोरेटरीज में इस क्विनोलिन का एक एनालॉग बनाया, जिनका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बट ये एक एक्सट्रैक्ट से निकाला जा रहा था, इसको हमने लैब में बनाया, विच वॉज पॉपुलरली नॉन एज क्लोरोक्वीन। केमिकल फार्मूला क्लोरोक्वीन था। इस ड्रग को इनिशियली बिल्कुल इग्नोर करा गया, पहले दशक में इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता था, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक फॉर ह्यूमन्स। बट लेटर स्टेजेस में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जब मलेरियल आउटब्रेक्स बहुत ज़्यादा होने लगे, तो इसको एज एन एंटी मलेरियल ड्रग हम लोगों ने पूरे ग्लोब ने इसको यूज़ करना शुरू किया। सिंस देन ये बहुत इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया के लिए। अब अपेरेंटली COVID-19 के अगेंस्ट इसको यूज़ कर रही हैं बहुत सारी कंट्रीज, इंक्लूडिंग अमेरिका इसको एक्सपेरिमेंटल यूज़ कर रहा है, फ्रांस में इस तरीके के ट्रायल्स हो रहे हैं हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन का ही फर्दर रिफाइंड वर्जन हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन को यूज़ करा जा रहा है, और पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश हो रही है। भारत में इसका यूज़ का स्टेटस क्या है, तो इंडियन ICMR ने गाइडलाइंस इशू करी हैं कि हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, या वो इस तरीके के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं या उनकी देख रेख कर रहे हैं एज एन प्रोफाइलेटिक ड्रग। ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइलेटिक ड्रग क्या होते हैं? प्रोफाइलेक्सिस एक प्रोसीजर है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, जो कि प्रिवेंशन ट्रीटमेंट का पार्ट है, कि अभी किसी को बीमारी हुई नहीं है बट उसको बीमारी ना हो उसके लिए कोई दवाई देना, तो इट इज़ कॉल्ड प्रोफाइलेक्सिस। तो इस ड्रग को भी COVID-19 इंडिया में
COVID-19 की प्रोफाइलेटिक ड्रग के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स और देखरेख उन उन बीमार पेशेंट्स की देखरेख करने वाले लोगों में। अब मलेरिया और कोविड एलिज्ड COVID-19 ट्रीटमेंट के अलावा इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के और भी यूजेस हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जहां पे ऑटो इम्यून डिजीजेस जिनको बोला जाता है उनके ट्रीटमेंट के लिए, जस्ट लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ल्यूपस जैसी डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए इसको वाइडली यूज़ करा जाता है इस ड्रग को। अब ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं, अगेन एक टर्म निकल के आती है, तो ऐसी डिजीजेज जिनमें हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम के रिस्पांस को स्लो डाउन करने के लिए इस तरीके के ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। और यहीं से वो रिसर्च की तार जुड़ी हुई है कि किस तरीके से हम लोग COVID-19 को कंटेन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक को यूज़ करते हुए। अब COVID-19 में द थिंग इज कि एक टर्म यूज़ करी जाती है, मेन कॉज ऑफ डेथ इन COVID-19 इज साइटोकाइन स्टॉर्म्स। साइटोकाइन स्टॉर्म इज नथिंग बट इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिव फॉर्म है। जब हमारा शरीर किसी भी माइक्रोब के अंडर अटैक में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है। बट इन द केस ऑफ दीज टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड स्पेशली दिस कोरोना वायरस, दिस नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन में बहुत सारी एंटीबॉडीज जनरेट करके हेल्दी सेल्स को, हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, विच एक्चुअली लीड्स टू द रेस्पिरेटरी फेलियर एज वेल एज न्यूमोनिया। तो ये सर्टेन टर्म्स हैं, मैं PDF दूंगा तो आप लोग वहाँ पे पढ़ लेना। साइटोकाइन स्टॉर्म ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, पूछा जा सकता है। मेन कॉज ऑफ डेथ जो है इस तरीके की सिम्टम्स में वो साइटोकाइन स्टॉर्म ही है। इबोला जैसी बीमारियों में भी जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो इम्यून सिस्टम का हाइपर रिस्पॉन्स ही था, जो वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को, सेल मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। अब रिसर्चर्स आर सेइंग, सम ऑफ द रिसर्चर्स आर सेइंग कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो है ये इट इज़ एन इंटरफेरॉन ब्लॉकर, जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को स्लो कर देगा। इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को स्लो करते हैं तो हम लोग वो वर्स्ट कंडीशन ऑफ साइटोकाइनिक स्ट्रॉम जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ समय के लिए उसको रोका जा सकता है। स्टिल मैं बता दूं कि हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स जो है ये अगेन हमारा सिम्टम है, एग्जैक्टली जड़ नहीं है बीमारी की, तो हम ये दवाई वायरस को, आउटब्रेक को नहीं रोकेगा, वायरस को कंटेन नहीं करेगा, बट स्टिल उसके कुछ सिम्टम्स को अगर हम रिसर्चर्स की माने तो ठीक हो सकता है कुछ हद तक। बट अभी तक ये अनप्रूवन ड्रग है। अनप्रूवन ड्रग बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसलिए ले गया कि बहुत सारी स्पेशली अमेरिकन प्रेसिडेंट ओपन पब्लिक स्पेसेस में इस तरीके के फॉर्मुलेशंस की बात कर रहे हैं और धमकियां तक दे रहे हैं ऐसे नेशंस को कि जहां से इस दवाई को मंगवाया जा सके। अब भारत की जहां तक बात है कि मलेरियल ड्रग्स वेस्टर्न कंट्रीज में अब मलेरिया को कम्प्लीटली कंटेन कर लिया जा चुका है, वहां पे इतने आउटब्रेक्स होते नहीं। तो साउथ वेस्ट एशिया या इस तरीके के देशों में अभी भी आउटब्रेक्स होते हैं और यहां पे भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इन मलेरियल ड्रग्स का, क्योंकि हमें कॉमन हर साल इनको यूज़ करना होता है। इसलिए पूरा विश्व, जहाँ जो 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 लोग मान रहे हैं, ब्राज़ील हो गया या कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, आप अमेरिका है, तो उनको एक उम्मीद है कि भारत से इस दवाई को दिया जाएगा। बट स्टिल इट इज़ एन अनप्रूवन, सिर्फ एक रिसर्च स्टडी हुई है फ्रांस में, लगभग 24 पेशेंट्स पे इस रिसर्च को किया गया और जिनमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दिए गए, उनमें से लगभग लोग यानी कि 70% लोग जो थे वो रिकवर करके जल्दी दूसरे पेशेंट से। इसके अगेंस्ट भी अभी इससे लेटेस्ट रिसर्च आया, एक रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल था चाइना, शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, उन्होंने बोला कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन देने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा COVID-19 के पेशेंट्स को। तो अभी तक वाइड लेवल पे जो ट्रायल्स हैं उनका होना बाकी है, ईदर विद और अगेंस्ट दोनों आर्ग्यूमेंट्स को ठीक तरह से कह पाना तभी संभव होगा जब वाइडर लेवल पे 1.5 लाख बड़े सैंपल्स लिए जाएं और कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स वहाँ पे करे जाएं इसी चीज़ को लेके। अब ये जो अभी थोड़े थोड़े पेशेंट्स पे दिख रहा है, हो सकता है कि उनका खुद का जेनेटिक्स इस तरीके का हो या उन्होंने कोई और कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन इस तरीके से लिया हो तो उसका म्यूचुअल रिस्पॉन्स देखने को मिला। बट स्टिल इस तरीके की चीज़ें डिमांड करी जाती हैं। इसके अलावा इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो अलार्मिंग हो सकते हैं, साइंटिस्ट्स आर सेइंग, और दो हम जानते हैं कि इसका ओवरडोज अगर किसी को दिया जा सकता है तो इट मे लीड टू द सर्टेन कार्डिक कंडीशंस, हार्ट बीट रिलेटेड इम्बैलेंसेज इन द बॉडी और इवन लीवर डैमेज। अगर ये कुछ होता है तो हमारे जो एज एल्डरली पेशेंट्स हैं उनको ये
और ज़्यादा बीमार कर देगा इंस्टेड ऑफ ठीक करने के। और भारत में और भी ज़्यादा इम्पैक्ट है, अगर हम इस दवाई को एक्सपोर्ट करते हैं इन कंट्रीज़ को, ज़्यादा लेवल पे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है तो हमारे आने वाले मानसून सीज़न हमारे आने वाला है और मलेरियल आउटब्रेक्स हमारे देश में होते ही होते हैं। प्लस जो एंटी इम्यून डिजीज़ के लोग हैं उनकी गिनती भी भारत में बहुत है, तो उन लोगों को इस दवाई की शॉर्टेज हो सकती है आने वाले टाइम में। तो इस डिसीजन को आई एम श्योर कि सरकार ने सोच समझ के लिया होगा और आने वाले टाइम में यहाँ पे इस तरीके की चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज ऑल फॉर दिस करंट अफेयर सेशन। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।